आसपास माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ, लगातार यहाँ जो टीयर गैस शेल हैं वो चलाए जा रहे हैं। ड्रोन देखिए, आप देख सकते हैं आसमान में ड्रोन घूम रहा है और इसने भी कई टीयर गैस शेल एक के बाद एक यहाँ पर दागे हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक और जो ड्रोन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शंभू बॉर्डर के आसमान पर इस वक्त ड्रोन मंडरा रहे हैं, लगातार जो टीयर गैस शेल है वो दागे जा रहे हैं और जो बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से दिया गया था अब शायद लगता है कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसान नेताओं ने यह कह दिया है कि जब तक कोई आश्वासन सरकार नहीं देगी हम बात करने नहीं जाएंगे और किसी भी पल दिल्ली कूच का ऐलान हो सकता है। इस वक्त जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन पंधेर समेत तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं उनके जोश को देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी वक्त दिल्ली जाने का ऐलान हो सकता है। और शंभू बॉर्डर पर उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागने शुरू कर दिए हैं। पिछले 15 मिनट से एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत के लिए सरकार की तरफ से एक इंडिकेशन जरूर आया था, न्योता जरूर आया था, लेकिन किसान नेताओं ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अभी जगजीत डल्लेवाल को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता, खासकर एमएसपी की गारंटी का जो कानून है उसको लेकर वो सरकार ये नहीं कहती कि उसको मान लिया गया है या स्पेशल सेशन बुलाकर उसको कानून बनाया जाएगा, तब तक वो बातचीत के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा ही ऐलान उन्होंने मंच से किया है। किसानों को एक जत्था पानीपत से शंभू बॉर्डर अंबाला की साइड पर आया था और उनको यहाँ पे समझाया गया था लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना, यहाँ पे प्रशासन का कहना था कि धारा 144 लागू है और उसके बाद यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। जो किसान आए हैं उनको लगातार समझाया गया, चेतावनी दी गई कि यहाँ पे धारा 144 लागू है, आप आगे ना आए, अगर आप आते हैं तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी जो यहाँ पर आए थे वो अब आगे की बड़े हैं, जो किसान हैं उनको अब यहाँ पे समझाया जा रहा है और उनको यहाँ से भेजा जा रहा है, अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनको यहाँ पर हिरासत में लेने की कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे किसानों को अब हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार फोर्स जो है वो यहाँ पर अब एक्शन में है। खुद यहाँ पर आला अधिकारियों की पहले से ही तैनाती की गई थी और जैसे ही यहाँ पर किसान आए हैं तो आला अधिकारी ने उनको चेताया कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन वो लगातार यहाँ पर अपने दूसरे किसान भाइयों के समर्थन की बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर अपने जो किसान भाई जो बॉर्डर बैठे हुए हैं उनके समर्थन के लिए यहां पहुंचे हैं। तो फिलहाल अब आप देखिए जो भारतीय किसान यूनियन के किसान पानीपत से आए थे उनको यहां पर अब सख्ती के साथ पुलिस जो है वो डील कर रही है और उनको समझाया जा रहा है कि अपनी गाड़ियों में आप वापस चले जाएं। और जो किसान जो आए थे ये अपनी गाड़ियों में जिस तरीके की गाड़ियां हैं यहाँ पे सायरन बजाते हुए यहाँ पर आए थे और अब यहाँ से वापसी की तरफ जा रहे हैं, यानी जो समर्थन करने किसान आए थे उनको कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे धारा 144 लागू है, यहाँ पे आपको नहीं खड़े होने दिया जाएगा। अब आप लोग वापस जा रहे हैं? बॉर्डर पर जाएंगे। कौन से बॉर्डर पर जाएंगे अब? अरे थोड़े बॉर्डर है वो पूरे पंजाब वाले पर। तो फिलहाल यहाँ पे एक्शन की तैयारी है और यहाँ पर जो उनकी गाड़ियां हैं उनको अब रोका जा रहा है, यहाँ पे उनको हिरासत में लेने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि जो पुलिस फोर्स थी पहले से इस बॉर्डर पे तैनात थी और यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। पिछले करीब एक हफ्ते से इस पूरी सड़क को जो ये सड़क जो है जो अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ आगे जा रही है दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है इसको पूरी तरीके से ट्रैफिक को बंद कर रखा था और यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, बॉर्डर के पास धारा 44 लागू थी। लेकिन आज कुछ किसान यहाँ पर आए हैं, अब उनको यहाँ पर हिरासत में लेकर जो हरियाणा पुलिस है वो यहाँ से उनको अब आगे की तरफ भेज रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी फोर्स यहाँ पर पहले से तैनात थी जो प्रोडक्शन गियर्स के साथ थी और हम लगातार दिखा रहे हैं इस बॉर्डर से किस तरीके की फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है और जो किसान के नेता यहाँ पर आए थे या लोग जो आए थे किसान उनको अब यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है।